Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are fine and safe at your place. हाँ जी बच्चे, असी लास्ट ट्यूटोरियल से विच ग्रामर के कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिवें कि लिंग बदलो, वचन बदलो, विरोधी शब्द शुद्ध करो। आई थिंक सो तुम सारे अच्छी तरह क्लीयर समझ आ गए होंगे, तो होप सो तुम अपनी कॉपी से भी सारे ने कर ले होंगे बच्चे। तो अज के इस ट्यूटोरियल विच असी एक नवा टॉपिक करांगे जो है कसरत दे लाभ, मीनस ऐसे राइटिंग है, ये नवा टॉपिक है कसरत दे लाभ। ये बारे तुसी फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन लिखनिया ने, 15 to 20 लाइन तुसी ये बारे लिखनिया बच्चे। कसरत दे लाभ, कसरत की हुंदा एक्सरसाइज, लाभ की हुंदा फायदे, बेनीफिट की है, ठीक है बच्चे। अगर असी कसरत नू पंजाबी विच डिस्कस करिए तो कसरत की हुंदा है, कसरत तो मतलब की है कि अपने शरीर नू जदों असी तंदुरुस्त रखन लई शरीर दे अंगां नू हिलाउंदे आ, मीनस उहनां नू हरकत विच लियाउंदे आ, तो उहनू की कह दिंदे ने कसरत। की हुंदा है कसरत? शरीर नू तंदुरुस्त रखन लई जदों असी अपने शरीर दे अंगां नू हिलाउंदे हाँ, ठीक है, शरीर दे अंगां नू हरकत विच लियाउंदे हाँ, शरीर दे अंगां दी हरकत करते हाँ, तो उसनू की कहिंदे ने कसरत। कसरत करन नाल की हुंदा है? कसरत करन नाल साडा खून दा दौरा, मीनस कि जिहड़ा बॉडी दे विच ब्लड का फ्लो है वह ठीक हुंदा है, खून का दौरा ठीक हुंदा है। जो ठीक खून का दौरा साडे बॉडी ठीक रहेगा, उहदे नाल की होएगा, असी फिट रहांगे, फिट एंड फाइन रहांगे, ठीक है ना, तंदुरुस्त रहांगे। इसलिए सानू कसरत करनी बहुत जरूरी है बेटा। कसरत करन दे विच की है कि हुण अज दे समय ते पहले समय विच कसरत करन दे तरीके भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। तरीके किद्दां बदलते जा रहे हैं कि पहले जिहड़े लोग सीगे, पहले समय विच लोग की करते सीगे, वध तो वध काम शरीरिक काम ज़्यादा करते सी, यानी कि फिजिकल वर्क ज़्यादा करते सीगे, ठीक है, जिसलिए उन्होंने कसरत करन लई लोड़ ही नहीं पैंदी सी, क्योंकि उन्होंने काम ही इन्ना, फिजिकल वर्क ही इन्ना ज़्यादा हो जाता सीगा, तो उन्होंने लोड़ ही नहीं पैंदी सी। पर अज के समय ये चीज़ घटती जा रही है, या इनू कह दिए खत्म होंदी जा रही है। हुण लोगों को की है कि कसरत करन लई कित्थे जाना पैंदा? जिम वगैरह विच जाना पैंदा, या उन्होंने की किया बच्चे घरां दे विच ही मशीनां इदां दियां लईआं होईआं ने, तो उत्थे ही एक्सरसाइज करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कोल समा नहीं है इन्ना, ठीक है ना, घर दे विच ही मशीनां ते ही एक्सरसाइज करते हैं। इस तरीके कसरत करन दा तरीका भी बदलता गया है, यानी कि पहले असीं गल कीती कि कसरत किसनूं कहिंदे ने, ठीक है, तो फिर कसरत जिहड़ा समय दे नाल कसरत करन दे तरीके भी बदलते गए ने। पहले समय च लोग फिजिकल शरीरिक वर्क ज़्यादा करते सीगे, तो हुण अजकल की है, लोग जिम जाते हैं, जिम जाके सैर करते हैं, या घर ही कुछ मशीन इदा दियाँ रखिया जिन्हों पर एक्सरसाइज करते रहते हैं। इस तरीके चीज़ा हौली हौली घटदियाँ जा रही ने, जिसलिए लोगों प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ रही ने, ठीक है बच्चे। कसरत करन दे लाभ की ने, की बेनीफिट की ने, साडा टॉपिक ही मेन यही है कसरत करन दे बेनीफिट, ठीक है ना। कसरत करन दे लाभ की ने? एक तो कसरत करन नाल साडी बॉडी की रहती है, फिट रहती है, बॉडी फिट रहेगी, असी हर काम जल्दी तो जल्दी तो सही तरीके नाल कर लांगे, ठीक है। साडा शरीर की है? तंदुरुस्त रहिंदा। फिट रहना मीनस साडा शरीर तंदुरुस्त रहिंदा, बॉडी एक शेप दे विच रहिंदी है। बॉडी एक इंसान जिहड़ा कि जब तक कसरत नहीं करेगा उन्हूं कई तरह दीआं बीमारियां भी आके घेरनगियां, ठीक है। तो कसरत करन नाल इंसान की है? एक तंदुरुस्त रहेगा, एक बीमारी तो बचा रहेगा, बीमारियों तो बचा रहेगा, ठीक है ना। कसरत करन नाल साडी बॉडी, अगर असी कसरत करांगे सानूं किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अजकल लोगों नूं की है जी, शुगर, डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है। जब तक की है कि लोगों ने इन चीज़ों कसरत करनी छड़ दिती है, या शरीरिक तौर पर इन्ना वो काम नहीं कर सकते जिस कारण उन्होंने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो कसरत करन नाल असी बीमारियों तो बचे रहते हाँ, ठीक है ना। तो सियाने लोगों ने सही किया है कि जिहड़ा सेहत ही एक की है, साडे सेहत जिहड़ी है एक सेहतमंद होना भी जिहड़ा है बहुत वड्डी चीज़ है, साडा सब तो वड्डा धन है, सेहतमंद होना साडा सब तो वड्डा धन है। असीं कहिंदे ना हैल्थ इज़ वैल्थ,
हैल्थ इज़ वैल्थ, कि साड़ी जिहड़ी सेहतमंद है, चंगी सेहत ही साड़ी एक सब तो वड्डा धन है। धन मीनस पैसा, इस तो उपर कुछ नहीं। जे तुसी ठीक होवोगे तुसी हर काम चंगी तरह कर सकोगे। जे तुसी बीमार होवोगे तुहाडे सामने जिन्नियां मर्जी सुख सहूलतां होण, तुहाडे कोल जिन्ना मर्जी पैसा होवे, की कर लोगे तुसी? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शरीर नूं बीमारियां तों बचाउण लई सानूं कसरत करनी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, कसरत करनी बहुत जरूरी है। हुण कसरत कित्तां असी कर सकते हैं? देखो, कसरत करन लई सानूं की है, खेडां दे राहीं वी असी कसरत हो जांदी है, खेडां दे राहीं वी साडी कसरत हो जांदी। किद्दां? हुण जो लोग है फुटबॉल खेलते ने, बैडमिंटन खेलते ने, ठीक है ना, वॉलीबॉल खेलते ने, इस जिहड़ियां इहदे नाल की हुंदा है, इहदे विच दौड़ भज हुंदी है। ठीक है, इहनां दौड़ भज होण नाल साडी शरीरिक वर्क ज़्यादा हुंदा है, साडी एक तरह खेडां राहीं वी जिहड़े कसरत हो जांदी है। ठीक है, इहो जिहियां खेडां खेडो जिहदे नाल तुहाडी बॉडी दी एक्सरसाइज भी हो जाए। ठीक है, केड़ियां केड़ियां खेडां जिवें हो गईयां, मैं तुहानूं कहा बैडमिंटन। ठीक है बच्चे, जिन्हां जिसे भजदे हाँ दौड़दे हाँ उन्हां नाल की हुंदा है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल हो गई बच्चे, जिवें वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये साडी बॉडी दे विच की ने, सानूं इहदे नाल की है खेडां राहीं भी साडी एक्सरसाइज हो जाती है। देखो बाकी दिमागी एक्सरसाइज लई तां जिवें लोग कई लोग चैस खेलते ने, कैरम खेलते ने, इन्हां नाल साडी दिमाग की एक्सरसाइज होंदी है, बट ये फिर भी बैठन वालियां ने। कंप्यूटर या मोबाइल ते गेमां खेडण नाल साडी कोई एक्सरसाइज नहीं बच्चे होंदी, इहदे नाल सिर्फ साडी बॉडी नूं नुकसान ही हुंदा है। इसलिए सानूं खेडां दे राहीं एक्सरसाइज, कीड़ियां खेडां राहीं, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इन्हां दे राहीं साडी बॉडी नूं की है कसरत भी हो जाती है, तो साड़ी बॉडी फिट भी रहती है। तो सानू कंप्यूटर ते या मोबाइल्स ते गेम नहीं खेडनी चाहिए। ठीक है बच्चे, खेडा राही साड़ी एक्सरसाइज होंगी है। इस तो इलावा की है, योगा दे राही एक्सरसाइज होंगी है। होर कि राही होंगी बच्चे? योगा दे राही। ठीक है, हुण योगा दे राही, योगा नू भी इंटरनेशनल जड़ा मनिया गया दिन डे मनिया गया ना, इनू मनाया जाता योगा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि योगा दे राही भी साड़ी बॉडी दे विच हर एक बॉडी पार्ट साडा हरकत ही चाहता है, किन्नी तरह दियां साडियां शरीरिक अंगां नू हिलांदा है। उहदे नाल की हुंदा बच्चे? साडी बॉडी योगा करन नाल साडी बॉडी फिट हो जाती है। इहनू भी एक तंदुरुस्त रखण लई योगा नू भी एक तरह कसरत ही मन्निया गया है, कि योगा दे राही भी साडी जिहड़ी है शरीर की कसरत हुंदी है। खेडां राही भी हुंदी है बच्चे, योगा दे राही भी हुंदी है साडे शरीर की कसरत हुंदी है। ठीक है, इस तो इलावा कसरत दे नाल की है साडा शरीर, कसरत दा मेन उद्देश जिहड़ा की है, एम की है, परपज की है, कि साडे शरीर नूं तंदुरुस्त रखना, साडे मन नूं तंदुरुस्त रखना। ठीक है ना, कसरत दा मेन एम की है? सानूं तंदुरुस्त रखना, साडे मन नूं तंदुरुस्त रखना। इस नाल जिहड़े की है कि असी बीमारियां तो बचे रह लैंदे हां। ठीक है, सानू इसलिए कसरत हर समय करनी चाहिए है, जिस नाल जे सानू असी ठीक होवांगे, सानू असी फिट होवांगे, सानू सारी दुनिया चंगी लगेगी, सब कुछ चंगा लगेगा, साडा काम होर काम करन नू भी दिल करेगा। पर अगर जे असी तंदुरुस्त नहीं हाँ तो असी कुछ भी नहीं कर सकते, सानू कुछ भी चंगा नहीं लगेगा। इसलिए सब तो की ज़्यादा कसरत साडे लई बहुत जरूरी है, कसरत दे बहुत फायदे हैं, कसरत साडे शरीर नूं तंदुरुस्त रखती है, कसरत सानू बीमारियां तो बचा के रखती है, कसरत करन दे नाल साडी खून का दौरा ठीक हुंदा है। ठीक है बच्चे, इस तरह कसरत करन नाल साडा एक शरीर सोहना दिखता है, इसलिए सानू कसरत करनी चाहिदी है। ठीक है बच्चे, हुण तुसीं एक टॉपिक नूं अच्छी तरह एक बार अपनी बुक विचों रीड करना है, तो बच्चे इहदे बारे तुसीं अपनी कॉपी ते भी लिखना है, 15 to 20 लाइनस बेटा लिखनियां वै। ठीक है, और आई थिंक सो तुहानूं भी हुण कसरत करन बारे सब कुछ पता लग गया, तो होप सो तुसीं भी हुण कसरत करिया करोगे, तो मोबाइल्स ते गेम नहीं देखिया करोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।